शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर बाद पंचायत घर और सोक फिट की पैमाइश के दौरान प्रधान राजा रामगिरी और पूर्व प्रधान विजय सिंह पक्ष के समर्थकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले आई। वहीं गांव में लाठी डंडे चलने से भगदड़ मच गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक खुटार थाना क्षेत्र के नवाजपुर गांव में पिछली पंचवर्षीय में पूर्व प्रधान विजय सिंह ने अपने घर के पास में पंचायत घर का निर्माण कराने के लिए नींव रखी थी और गांव के पानी निकासी को लेकर सोक फिट बनवाया गया था, लेकिन वर्तमान प्रधान राजा रामगिरी ने पंचायत घर और सोक फिट पूर्व प्रधान के यहां से हटवाकर स्कूल के पास खाली जमीन पर बनवाने को कहा था, जिसकी पैमाइश कई बार कराई जा चुकी है। वहीं बुधवार को हल्का लेखपाल नितिन जोशी, ग्राम विकास अधिकारी सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ नवाजपुर गांव में पैमाइश करने पहुंच गए, जहां प्रधान राजा रामगिरी, उनके भाई भगवान सरन, प्रधान के बेटे अजय गिरी और उनके समर्थक के साथ मनरेगा के 3 मजदूर मौजूद थे। पैमाइश की सूचना लगते ही पूर्व प्रधान विजय सिंह भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उसी समय प्रधान राजा राम और विजय सिंह के बीच पैमाइश को लेकर गाली गलौज शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पुलिस बल के सामने ही जमकर लाठी डंडे चलने लगे और गांव में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन पुलिस को मामला शांत कराने में हाथ पैर फूल गए। इसके बाद थाने में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया और दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले आई। घटना की जानकारी पाकर भाजपा के तमाम नेता भी थाने पहुंच गए और पूर्व प्रधान के पक्ष में कार्रवाई कराने में जुट गए। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने पूर्व प्रधान विजय सिंह को खुटार अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया, लेकिन वहां मौजूद प्रधान के 2 रिश्तेदार पहुंच गए और पूर्व प्रधान के पक्ष के भाजपा नेताओं ने लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। अस्पताल के अंदर परिसर में उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वहां मौजूद किसी ने मारपीट की घटना का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना पर सीओ पुआया पंकज पंत का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।